हाय एवरीवन, मेरा नाम शेफ आशुतोष है। आज हम आपको फोगास ब्रेड बनाना सिखाएंगे। ये बेसिकली एक फ्रेंच ब्रेड होती है और इसको हम लोग फ्लैट ब्रेड भी बोलते हैं। देखिए, ऊपर से ये क्रस्ट हार्ड होता है और अंदर से ये सॉफ्ट होती है। तो इंग्रेडिएंट्स इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ईस्ट के एक्टिवेशन के लिए। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ईस्ट ले लेंगे और उसमें वाटर डालेंगे। वाटर को आपको थोड़ा सा वार्म रखना है, लिक वार्म, सो दैट की ईस्ट जो है अच्छे से एक्टिवेट हो सके। और इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसके लम्स आपको सारे के सारे डिसॉल्व करना है। हम लोगों ने जो ईस्ट यूज़ किया है वो ड्राई ईस्ट यूज़ किया हुआ है। मिक्स करने का 5 to 7 मिनट्स के लिए वेट करना है। ये जो हमने लगाया है ये स्टार्टर डो है, इसको आप कल्चर भी बोलते हैं। इसका वीडियो आपको हमारे चैनल में दिख जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्टार्टर डो वो रेडी है, हमारा ईस्ट एक्टिवेटेड है, फ्लावर है। सबसे पहले आपको फ्लावर ले लेना है। हम लोग टेबल पे इसको मिक्स कर रहे हैं और इसमें एक बीच में वेल बनाना है आपको। और उस वेल के अंदर हमको जो है अपना हमारा इम्प्रूवर ग्लूटेन वो हमको डालना है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का फ्लावर है जिसका ग्लूटेन परसेंटेज मोर देन 12% है, तो आप नॉर्मल भी विदाउट ग्लूटेन और विदाउट इम्प्रूवर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये हमने दोनों चीज़ें डाल दिया है और इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। और उसके बाद जो है हम जो इसमें ईस्ट डालेंगे जो हमने ऑलरेडी एक्टिवेट करके रखा हुआ है। जो हमने कल्चर यूज़ किया है उसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और शुगर आप चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं आप, अगर आपको अच्छा लगता है, और ना डालेंगे तो भी आपका ब्रेड जो है वो बन जाएगा। ये देखिए, अब हम लोग ईस्ट इसमें डाल रहे हैं और उसके बाद हम इसमें अपना कल्चर जो है वो डालेंगे। कल्चर बनाने का बेनिफिट क्या होता है कि जो ब्रेड में है वो अच्छा टेस्ट आता है, जो उसमें खट्टापन है ब्रेड में वो बेटर आता है। जैसे मुंबई का जो पाव होता है उस टाइप का आपको ब्रेड में टेस्ट आता है। और ये कल्चर जो है हम लोग 12 घंटे पहले बना के रखते हैं। मतलब अगर आपको आज ब्रेड बनानी है तो एक दिन पहले जो शाम को है आप उसको कल्चर बना के रख दीजिए, तो नेक्स्ट डे तक आपका कल्चर जो है वो रेडी हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नॉर्मली ये कल्चर जो है ये फ्रेंच कल्चर होता है जिसको हम लोग 12 घंटे पहले बना के रखते हैं। और आप चाहें तो अगर सेम कल्चर को आप 24 घंटे या 48 आवर्स पहले भी आप बना के रख सकते हैं, उससे ब्रेड में और जो है टेस्ट डेवलप होता है, बेटर टेस्ट। तो अब देखिए, अब इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं हम लोग। ये ब्रेड जो है रोमन जो थे उन लोगों ने ये ब्रेड क्रिएट किया था। तो बेसिकली एक टाइप की फ्लैट ब्रेड है जो रोमन्स ने उन लोगों ने इसलिए बनाया था ताकि जब हम उस टाइम पे वुड फायर ओवन होते थे तो उसमें उसका टेम्परेचर, ओवन का टेम्परेचर कितना है वो डालने के लिए, वो चेक करने के लिए वो लोग ओवन में ये फ्लैट टाइप का एक डो डाल देते थे और उसको निकाल लेते थे कि वो कितनी देर में वो बेक हो रहा है। तो उससे इनको आइडिया हो जाता था कि हमें कैसे उसको और जो हमारी ब्रेड से उनको बेक करना है। तो उसी मेथड से ये हमारी ब्रेड डेवलप हो गई है। अब जो वाटर है जो रेसिपी में, वो वाटर हम लोग डाल के और इसको मिक्स करेंगे। अभी जो तक जो प्रोसेस वो कर रहे थे हम लोग वो था मिक्सिंग। अब जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो हम करेंगे नीलिंग। और ये सॉल्ट जो है जो आपको लास्ट में ऐड करना है, सो डैट का ईस्ट हमारा जो है वो डैमेज ना हो पाए, मतलब उसका एक्टिवेशन जो है 100% हमें मिल पाए। तो अब जो हम लोग प्रोसेस करेंगे वो करेंगे नीडिंग। हमारा जो डो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, थोड़ा ढीला रहेगा, स्टिकी टाइप का रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका डो ज़्यादा स्टिकी हो गया तो आप उसमें थोड़ा सा फ्लावर ऐड कर दीजिए, डस्ट कर दीजिए, सो डैट कि वो स्टिक ना करे। और अच्छे से इसको नीड करते रहिए। नीड करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है कि इससे हमको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको ग्लूटेन जो है, जो स्ट्रक्चर जो ब्रेड में मिलता है वो इवन मिलता है और वो अच्छा टेक्सचर क्रिएट करता है। वैसे हमने शॉर्ट में किया है, बट आप हैंड मिक्सिंग करेंगे तो एटलीस्ट आपको 10 to 15 मिनट्स लगेगा। तो ऑलमोस्ट हमारा देखिए डो में वाइटनेस आ गया और रेडी हो गया। इसको हम लोग एक बॉल बना के और इसको फर्मेंटेशन के लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए रखेंगे। अप्रॉक्सीमेटली जो फर्मेंटेशन टाइम है वो 30 मिनट्स है। अगर आपके पास प्रूविंग चेम्बर नहीं है तो आप चाहें तो माइक्रोवेव के अंदर एक बाउल में, दूसरे बाउल में पानी रख के गर्म और उसको छोड़ सकते हैं आधे घंटे के लिए। देखिए, अब ऑलमोस्ट डबल साइज हो गया 30 मिनट्स के बाद।
और यही एक प्रोसेस आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो डो है वो डबल साइज हो गया है कि नहीं हुआ है। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर गर्मी है तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगता है, विंटर्स हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, 40 to 45 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो अब हम इसको डो को निकालेंगे टेबल पे और इसको नॉक बैक करेंगे। नॉक बैक करने का रीज़न क्या होता है कि हमें जो CO2 जो है जो इसमें डेवलप हुई है, जब ईस्ट ने जो है शुगर और कार्बोहाइड्रेट जब उसको मिला है तो CO2 डेवलप वो अनइवन फॉर्म में रहती है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इसको नॉक बैक करते हैं, सो डैट कि हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा आए और उसमें जो स्ट्रक्चर है वो वेल बैलेंस्ड है, बीच में होल्स ना हो। तो देखिए, अब इसको हमने नॉक बैक करने के बाद इसको फिर से एक राउंड बॉल बनाएंगे और इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे बेंच पे, मतलब टेबल पे रेस्ट देंगे। रेस्ट देने से पहले इसकी पोर्शनिंग हम लोग कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने जो लिया है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 220 ग्राम का बॉल लिया है। देखिए, अभी इसको बॉल बना के हम इसको रेस्ट कर देंगे और 10 मिनट के बाद जब ये थोड़ा सा प्रूफ हो जाएगा तो हम इसको शेप देंगे अपनी फ्लैट ब्रेड की तरह। तो इसको फिर से हम लोग नॉक पैक कर लेते हैं और आप चाहें तो नहीं भी करेंगे नॉक पैक तो भी ये ब्रेड बन जाएगी। और उसके बाद इसको राउंड बॉल बना के और रोलिंग पिन से इसको रोल करेंगे एज ए ओवल शेप में। आप चाहो तो सेकंड नॉक पैक ना करके डायरेक्ट इसको रोलिंग पिन से रोल कर सकते हैं और इसको ओवल शेप देके और उसके बाद इसको ट्रे में लगा सकते हैं। जो फ्लावर है उस जो डस्टिंग के लिए हम लोग फ्लावर यूज़ कर रहे हैं उसमें आप चाहो तो थोड़ा ब्रेड में क्रंचीनेस लाने के लिए सेमोलिना फ्लावर जो सूजी का फ्लावर होता है और प्लस अपना नॉर्मल फ्लावर को मिक्स करके भी आप रोल कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि जब आप लास्ट में ब्रेड बेकिंग के बाद आपको थोड़ा क्रंचीनेस मिलेगा ब्रेड में। और जो हम लोग इसके ऊपर टॉपिंग डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं रोजमेरी, ओरिगेनो, मिक्सर और चॉप गार्लिक। आप टॉपिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑलिव भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको मिक्सर मतलब जो अलग से हर्ब्स होती हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ब्रेड हमारी ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई है ओवल शेप में। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा कि ये जब हम इसको रोल करेंगे तो श्रिंक करेगी ब्रेड, तो उसको बचने के लिए आप कोशिश करिए कि इसको बड़ा करें, थोड़ा जो आपको साइज चाहिए उससे थोड़ा सा बड़ा कर लें, सो डैट जब आप इसको ट्रे पे रखें तो श्रिंक होके ये नॉर्मल शेप में आ गया। अप्रॉक्सीमेटली ये 8 इंच की जो इसकी मतलब लेंथ है और जो ब्रेथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 इंचज़ की है। तो हमारा रेडी हो गया है ये अपना फ्लैट ब्रेड और इसको हमने ट्रे पे लगा के अब हम लोग ब्लेड यूज़ करके इस पर कट करेंगे, कट्स लगाएंगे तो हमको जो है एक अलग जो शेप है वो मिलेगा ब्रेड का। इसको इस प्रोसेस को हम स्कोरिंग भी बोलते हैं, बट उसमें स्कोरिंग में ऊपर से टॉपिंग पे किया जाता है बट हम लोग जो है पूरा उसको कट कर रहे हैं ब्रेड में, क्योंकि आप जब लास्ट में देखेंगे जब ब्रेड बेक होके आएगी तो बहुत ही अंदर से उसमें होल्स और एक डिफरेंट काइंड की फ्लैट ब्रेड हमको मिलेगी। ये ब्रेड जो है फ्लैट ब्रेड होती है और ये रिजेंबल करती है इटालियन ब्रेड, जो हमारी फोकासिया ब्रेड होती है वो भी फ्लैट ब्रेड होती है बट उसमें ऊपर से टॉप पे कटिंग नहीं होती है। तो बट और दूसरा डिफरेंस होता है जो फोकासिया ब्रेड है वो हमारी सॉफ्ट होती है बट ये ऊपर से क्रंची होती है, इसमें च्यूइनेस होती है ब्रेड में, अंदर से सॉफ्ट होती है। चलिए देखिए, हमारे कटिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो गया, अब हम इसको प्रूफिंग के लिए डालेंगे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए टिल डबल इन साइज ही हो जाएगा। और उसके बाद इसको निकाल के हम लोग बेक करेंगे 220 डिग्री पे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए ऑलमोस्ट डबल साइज हो गया ये, अब इसको बेकिंग के लिए डालेंगे। डालने से पहले हम लोग इसके ऊपर ब्रश कर रहे हैं मिल्क से, आप चाहें तो बटर मेल्ट करके भी ब्रश कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो आप ऊपर से टॉपिंग डालेंगे, जो भी हम लोग गार्लिक या फिर ओरिगेनो या मिक्सर जो भी हम टॉपिंग डालेंगे वो टॉपिंग ईजिली इस पर स्टिक कर सके। ये हमने रोजमेरी डाल दिया है, अब इसके बाद हम लोग इस पर डालेंगे हमारा मिक्सर और ओरिगेनो। तो ब्रेड हमारा बेकिंग के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, अब हम इसको बेक करने के लिए डालेंगे ओवन के अंदर। टेम्परेचर डिपेंड करता है कि आप हम 15 से 20 मिनट भी बेक कर सकते हैं और थोड़ी देर ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा जो चुई और क्रिस्पी ब्रेड है वो रेडी हो गया। आपको ब्रेड रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।